वालेकुम अस्सलाम बेटे, खैरियत खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अच्छा, आपको साल का बहुत बहुत मुबारक मेरे छोटे बच्चे। आज एक तारीख है, आपकी सालगिरह है। हमारे पास सालगिरह नहीं मनाई जाती है, फिर भी आपको आज से आठवां साल लगा है और आपको कुछ और जिम्मेदारियां बताने के लिए आपकी सालगिरह की याद दिलाई गई है। आया समझ में? तो बच्चा लोग, इस मरतबा ईद को क्या खरीदना है आपको? आपको क्या खरीदना है बेटा? हम इस मरतबा ईद पर कुछ भी खरीदने वाले नहीं है। क्यों? उसकी दो वजह है बेटे। एक वजह ये है कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन किसकी वजह से है? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस हमारे परभणी जिले में तो कम है, और बाकी जिलों में ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम होने की वजह से हो सकता है कि हमारा मार्केट खुल जाए, और मार्केट में हम अगर खरीदी के लिए जाते हैं और कोई जाने अनजाने में कोरोना का पेशेंट या कोरोना वाला आदमी हमारे ताल्लुक में आ जाता है, तो उसकी वजह से कोरोना वायरस अपने घर तक भी आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा? हाँ, फिर जाने अनजाने में वो किसको किसको और लग जाएगा, इस वजह से हम मार्केट में नहीं जाने वाले। तो हमारे कपड़ों का क्या होगा? आपके कपड़े हम ये सोच रहे थे कि ऑनलाइन से मंगा रहे। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये है बेटे कि हम जो कपड़े खरीदते हैं हर साल, तो अपने अगर घर के कपड़े खरीदे जाए, अगर उसको देखा जाए रमजान में, तो उसमें दो घरों का, दो महीनों का राशन आ सकता है। हम ये सोच रहे हैं कि इस मरतबा कोई जरूरतमंद दो घरों को अपनी तरफ से पूरे के पूरे पैसे दे दें। अब आप हमारे लिए कपड़े मत खरीदिए। क्यों बेटा? अब हम भी इस बार रमजान सादगी से मनाएंगे। अच्छी बात है, जज़ाकअल्लाह, आपका शुक्रिया शुक्रिया। आप क्या खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे। क्यों बेटा? जज़ाकअल्लाह, आप लोगों के शुक्रिया। तो हम सभी इस मरतबा ईद सादगी से मनाने वाले हैं, और आप भी ईद सादगी से मनाइए और बाहर जाकर भीड़ ना कीजिए, ताकि कोरोना वायरस और ज़्यादा ना फैले। इस वजह से क्या कीजिए, आप घरों पर रहिए, सेफ रहिए, ताकि कोरोना वायरस को हम हमारे हिंदुस्तान से और दुनिया से ख़त्म कर सकें। जज़ाकअल्लाह।